नमस्कार दोस्तों, हिंदी टेक मंत्रा चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, अगर आपका भी आधार कार्ड खो गया है और आपके पास अभी फ़िलहाल आधार नंबर भी अवेलेबल नहीं है, तो आप आधार कार्ड को ऑनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हो, आज के इस वीडियो में दोस्तों हम उसी के बारे में बात करने वाले हैं। जानने के लिए दोस्तों वीडियो के साथ बने रहिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलते दोस्तों वीडियो की तरफ, और उसके लिए दोस्तों हम सबसे पहले ओपन कर लेते हैं गूगल क्रोम ब्राउज़र। और यहाँ पर दोस्तों आधार कार्ड का जो ऑफिशियल साइट का लिंक है उसे हम ओपन कर लेते हैं। और दोस्तों अगर आपको ऑफिशियल साइट का लिंक चाहिए तो हम डिस्क्रिप्शन में भी डाल कर रख देंगे, आप वहाँ पर भी डायरेक्टली जाकर आपका आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हो। दोस्तों जैसे ही हम आधार कार्ड का ऑफिशियल साइट का लिंक ओपन करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से आधार कार्ड का ऑफिशियल वेबसाइट ओपन हो जाता है। और यहाँ पर देखिए राइट साइड में देखिए दोस्तों इसका लैंग्वेज भी चेंज करने का ऑप्शन दिया हुआ है। अगर आपको दोस्तों लैंग्वेज चेंज करना है तो उसे दोस्तों यहाँ पर आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, ठीक है। जैसे कि दोस्तों हम यहां पर इंग्लिश ही रहने देते हैं और चलते हैं दोस्तों आधार कार्ड डाउनलोड करने की तरफ। तो उसके लिए दोस्तों सबसे पहले यहां पर देखिए लेफ्ट साइड में माय आधार का ऑप्शन दिख रहा है, और आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए दोस्तों उसके लिए हमें सबसे पहले माय आधार में लॉग इन करना होगा। तो माय आधार पर जैसे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों, ये देखिए। इसके बाद दोस्तों नीचे की तरफ जैसे हम स्क्रॉल करेंगे यहाँ पर देखिए गेट आधार के ऑप्शन में भी ये देखिए यहाँ पर भी देखिए दोस्तों डाउनलोड आधार का ऑप्शन है। आप दोनों में से किधर से भी जाकर आप जो है आधार में लॉगिन कर सकते हैं। तो चलते हैं दोस्तों माय आधार के ऑप्शन पर, और वहाँ पर हम डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर क्लिक करके डाउनलोडिंग के लिए हम प्रोसीड कर लेते हैं दोस्तों। दोस्तों जैसे ही हम डाउनलोड आधार के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से विंडो ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए लॉगिन करने का ऑप्शन दिख रहा है, मगर यहाँ पर लॉगिन करने के लिए दोस्तों हमें आधार नंबर की ज़रूरत होगी जो कि हमारे पास अभी फ़िलहाल अवेलेबल नहीं है। तो चलते दोस्तों हम पहले हमारा आधार नंबर निकाल लेते हैं, उसके बाद हम लॉगिन करके डाउनलोडिंग पे क्लिक करते हैं। दोस्तों खोया हुआ आधार नंबर हमें निकालने के लिए सबसे पहले हमें यहाँ पर देखिए जो ऑप्शन दिख रहा है रिट्राइव EID/आधार नंबर, तो हमें इसी ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। तो चलते दोस्तों इस ऑप्शन पर हम क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे ही हम रिट्राइव आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमसे कुछ डिटेल्स पूछी जा रही है, तो हम यहाँ पर वो डिटेल्स फिल कर लेते हैं। जैसे कि देखिए अगर हमें आधार नंबर चाहिए तो आधार नंबर के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं, अगर हमें इनरोलमेंट ID निकालना है तो इनरोलमेंट ID के ऑप्शन पर सेलेक्ट कर लेते हैं। जैसे कि दोस्तों हमें आधार नंबर हमारा निकालना है तो हम यहाँ पर आधार नंबर सेलेक्ट कर लिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारे आधार कार्ड पर जो भी हमारा नाम है उसे हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। दोस्तों ध्यान रहे, अगर यहाँ पर ज़रा भी हमसे मिस्टेक होती है तो हमारा आधार नंबर रिट्राइव नहीं हो पाएगा, मतलब हमारा आधार नंबर नहीं मिल पाएगा। तो हम यहाँ पर प्रॉपरली हमारे आधार कार्ड पे जो भी नाम है हम उसे यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लिए। और नीचे देखिए दोस्तों यहाँ पर देखिए हमारा आधार कार्ड से रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर या ईमेल आईडी दोनों में से जो भी आपके पास फ़िलहाल अवेलेबल है वो आप यहाँ पर फिल कर सकते हैं। जैसे कि दोस्तों हमारे पास फ़िलहाल हमारा मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो हम यहाँ पर हमारा मोबाइल नंबर यहाँ पर फिल कर लेते हैं, और नीचे कैप्चा कोड प्रॉपरली फिल कर लेते हैं दोस्तों। उसके बाद दोस्तों चलते हैं हम सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। दोस्तों जैसे हम सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे मोबाइल नंबर पर एक OTP आ जाता है आधार कार्ड की तरफ से, तो वो OTP हम यहां पर दोस्तों प्रॉपरली फिल कर लेते हैं, ठीक है। दोस्तों OTP फिल करने के बाद जैसे हम सबमिट बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो आधार नंबर होता है हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर सेंड कर दिया जाता है आधार कार्ड की तरफ से। देखिए दोस्तों हमारे मोबाइल पर कुछ इस तरीके से SMS द्वारा हमारा आधार नंबर भेज दिया गया है। तो अभी चलते दोस्तों हमें आधार नंबर तो मिल चुका है, तो चलते आसानी से अब हम इसे डाउनलोड कर लेते हैं। दोस्तों डाउनलोड करने के लिए जैसे हम लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है। यहाँ पर देखिए हमसे हमारा आधार नंबर पूछा जा रहा है, तो हमें SMS के द्वारा जो भी आधार नंबर रिसीव हुआ है दोस्तों वो आधार नंबर हम यहाँ पर प्रॉपरली फिल कर लेते हैं। दोस्तों आधार नंबर फिल करने के बाद नीचे देखिए यहाँ पर कैप्चा फिल करने का ऑप्शन दिख रहा है, तो चलते दोस्तों इसे भी हम अच्छे से फिल कर लेते हैं। दोस्तों कैप्चा फिल करने के बाद जैसे ही हम सेंड OTP के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो आधार कार्ड के द्वारा दोबारा से हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दिया जाता है। दोस्तों OTP फिल करने के बाद जैसे हम लॉगिन बटन के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो हमारे सामने देखिए कुछ इस तरीके से ओपन हो जाता है।
और यहाँ पर देखिए दोस्तों फर्स्ट नंबर पर डाउनलोड आधार का ऑप्शन दिख रहा है, तो चलते हैं डाउनलोड करने के लिए इसी ऑप्शन पर क्लिक कर लेते हैं। अब यहाँ पर दोस्तों देखिए आधार नंबर मास्क करने का ऑप्शन दिख रहा है, अगर आपको मास्क करना है तो उस पर क्लिक कीजिएगा, अदरवाइज डायरेक्टली यहाँ पर डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिएगा। दोस्तों जैसे हम डाउनलोड के ऑप्शन पर क्लिक करते हैं तो ये देखिए दोस्तों हमारा जो आधार कार्ड है वो लेफ्ट साइड में डाउनलोड होने लगा है, और यहाँ पर देखिए कांग्रेचुलेशन भी लिखकर आ गया दोस्तों, मतलब कि हमारा आधार कार्ड जो है वो डाउनलोड हो चुका है। ठीक है, जैसे कि दोस्तों आप लोग को पता होगा आधार कार्ड डाउनलोड होने के बाद उसका जो फाइल होता है वो पासवर्ड प्रोटेक्टेड होता है, उसको ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए कुछ फॉर्मेट भी दिया गया है, तो आप इसे पढ़ लीजिएगा अच्छे से। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर लिखा गया है कि आपके नेम का जो फर्स्ट फोर लेटर रहेगा वो कैपिटल में रहेगा और आगे आपका ईयर ऑफ बर्थ रहेगा। अभी दोस्तों हमारे आधार कार्ड का डाउनलोडिंग कंप्लीट हो चुका है, तो चलते हैं दोस्तों हमारा आधार कार्ड ओपन कर लेते हैं। आधार कार्ड ओपन करने के लिए यहाँ पर देखिए पासवर्ड मांग रहा है, तो हमारे नाम का जो फोर लेटर है कैपिटल उसे हम यहाँ पर फिल कर लेते हैं और आगे ईयर ऑफ बर्थ लगा देते हैं। जैसे दोस्तों हमने वो फिल किया, ये देखिए हमारा आधार कार्ड ओपन हो चुका है। दोस्तों कुछ इस तरीके से आप अपना खोया हुआ आधार कार्ड ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। और दोस्तों अगर आपको खोया हुआ आधार नंबर निकालना है तो उसके लिए दोस्तों आप कस्टमर केयर पर भी कॉल कर सकते हैं, उसके लिए दोस्तों यहाँ पर देखिए टोल फ्री नंबर भी दिया गया है 1947। ध्यान रहे दोस्तों आप जब भी टोल फ्री नंबर पर कॉल कर रहे हो तो आपके आधार कार्ड से जो भी रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर है उसी से ही कॉल कीजिएगा, अगर आप उससे कॉल नहीं करते हो तो आपको जो है आधार नंबर कस्टमर केयर द्वारा प्रोवाइड नहीं किया जाएगा। तो उसके लिए दोस्तों जब भी आप कस्टमर केयर पे कॉल करेंगे आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर के द्वारा, तो वो जो है आपसे कुछ जानकारी पूछेंगे, जैसा कि आपका नाम पूछेंगे। आप जैसे आपका नाम बताएंगे प्रॉपरली तो वो आपको आपका आधार नंबर प्रोवाइड कर देंगे। दोस्तों जैसे ही कस्टमर केयर के द्वारा आपको आधार कार्ड नंबर प्रोवाइड कर दिया जाता है, उसके बाद आप आसानी से आधार कार्ड की वेबसाइट पर जाकर आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। जैसा कि दोस्तों हमने पीछे वीडियो में बताया भी है कि आधार कार्ड डाउनलोड करने के लिए यहाँ पर लॉगिन बटन पर क्लिक करके अपना आधार नंबर फिल करके आप अपना आधार कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों हमें उम्मीद है कि पूरा वीडियो देखने के बाद आपको समझ आ गया होगा कि खोया हुआ आधार कार्ड ऑनलाइन जाकर कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलते हैं दोस्तों, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और मिलते हैं ऐसे ही किसी और जानकारी भरी वीडियो के साथ।